हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा विगत 27 वर्षों से सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। मेरा एक संस्थान है रांची में, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस संस्थान से इन विगत 27 वर्षों में हजार से अधिक कैंडिडेट्स सिविल सेवा की विभिन्न परीक्षाओं में सफल हुए हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा 7वीं से 9वीं JPSC की सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अब 7वीं से 9वीं JPSC की सिविल सेवा की परीक्षा का जल्द ही विज्ञापन आने वाला है और सरकार, कार्मिक विभाग और JPSC इस दिशा में कार्यरत हैं कि विगत वर्षों में जितनी भी त्रुटियां रही हैं JPSC की परीक्षाओं में या जितने भी इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुए हैं, इन सभी को दूर करके और बिल्कुल ही सही तरीके से इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर कर दिया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि JPSC की परीक्षा ट्रांसपेरेंट हो और JPSC की क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, सत्यनिष्ठा है, वो एक बार फिर से स्थापित हो जाए। अब जबकि 7वीं से 9वीं JPSC की सिविल सेवा की परीक्षा का विज्ञापन जल्द ही संभावित है और ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा भी विज्ञापन के बाद जल्द ही हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो भी एस्पिरेंट्स हैं JPSC के, उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि अब बगैर कोई विलंब किए हुए जल्द से जल्द अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। और स्टूडेंट्स के काफ़ी अनुरोध पर, भारी मांग पर, हमारा संस्थान एक ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहा है जल्द ही। इस ऑनलाइन क्लास में JPSC PT के सेकेंड पेपर झारखंड के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। यह अध्ययन काफ़ी एक्सटेंसिव होगा, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा और इस अध्ययन में झारखंड के सभी पक्षों, झारखंड के सभी डायमेंशंस, झारखंड के सभी पर्सपेक्टिव्स के बारे में छात्रों को बताया जाएगा। झारखंड के बारे में बताते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि झारखंड का स्टडी एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच से हो सके। इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि इस सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उसमें से कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी डायमेंशन और कोई भी टॉपिक अनकवर्ड न रहे या उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया जाए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि झारखंड में जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप इनका होलिस्टिक अप्रोच से स्टडी करते हैं, इनका एक इंटीग्रेटेड व्यू लेते हैं, तो आपको झारखंड के बारे में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने में बहुत आसानी होगी। इसी दिशा में संस्थान प्रयत्नशील है और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ, इस दौरान संस्थान ने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी रेस्पॉन्स मिला है, विशेषकर झारखंड के, स्पेशल झारखंड के क्लास में। इस झारखंड के ऑनलाइन क्लास में आपको PT का तो सारा सिलेबस कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही जो मेंस में जितने भी GS के पेपर्स हैं उनके जो सेक्शंस हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यह ऑनलाइन क्लास आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप संस्थान के इन दो नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लास कब से शुरू होगा, कितने आवर्स का होगा, क्या इसका शेड्यूल होगा,
कब होगा और कौन पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।